नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अस्वभक्ति अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करते हैं मेढक का घर में बार बार आना कैसा होता है, शुभ होता है या अशुभ होता है। मेढक का घर में आना कैसा संकेत माना जाता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे वस्तु शास्त्र अनुसार मेढक का घर में आना संकेत। सनातन धर्म में हर जीव में ईश्वर का वास माना गया है। घर में किसका आना शुभ माना जाता है और किसका अशुभ, यह भी शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर घर में मेढक आता है तो यह धन लाभ का संकेत माना जाता है। ना केवल वस्तु शास्त्र अनुसार बल्कि इनका ज्योतिष शास्त्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। घर में मेढक का आना सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मेढक का घर में आना धन लाभ का संकेत मिलता है या नहीं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, प्रत्येक जीव जंतु को हमारे मानव जीवन से जोड़कर देखा गया है, तो हमारे घर में कभी ना कभी मेढक हमारे घर में आते रहते हैं। बार बार मेढक का घर में आना संकेत कैसा होता है, भिखारी या करोड़पति, आइए हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों दुनिया भर में मेढक को शुभता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों अगर आपको मेढक कभी भी दिखता है, जैसे पावन पर्व त्यौहार पर, नवरात्रि, दीपावली, दशहरा आदि, किसी भी रामनवमी त्यौहार पर जैसे कि आपको मेढक सुबह सुबह दिख जाए आपके आंगन में, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपको जान लेना चाहिए कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी आई हैं। वह माँ लक्ष्मी आपके घर के भंडारे भरने आई हैं। दोस्तों कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और अगर दोस्तों वहीं कहीं आपको मेढक आवाज़ें करता हुआ दिख जाए तो ये तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपको आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सर से सारा लोन उतर जाएगा और कर्ज भी आपका चुक जाएगा। दोस्तों जो कोई भी आपके पैसे लिए होगा वो शीघ्र ही देगा। दोस्तों कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों मेढक को माँ लक्ष्मी का रूप बताया गया है। दोस्तों अगर मेढक को आपके छोटे छोटे बच्चे मेढक को मार डालते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत होता है। दोस्तों अगर बच्चे मेढक को मार देते हैं तो ऐसे में आपके किसी भी घर में, परिवार में किसी की तबीयत खराब होने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रह क्लेश होने वाला है। तो इससे बचने के लिए नवरात्रि के दिनों में माता रानी को पान, बतासा और लौंगे चढ़ाइएगा। दोस्तों इससे बचने के लिए यही थे मेढक का घर में आना शुभ या अशुभ संकेत। तो दोस्तों इसी प्रकार के रोजाना नए नए टोटके देखने के लिए हमारे चैनल अस्वभक्ति अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है। दोस्तों कमेंट में हमें जय माता दी जरूर लिखिएगा।